गई है, तरह तरह की एनजीओ बीच में आ गई है, क्या नहीं लगता आपको कि जो लोग वहां पर आरोपी अभी बनाए गए हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई बाहर की साजिश हो सकती है? तो आखिर अगर लोगों की मांग है सीबीआई जांच की तो क्यों ना करवाए? देखिए, यहां तक बच्ची के साथ उसकी हत्या हुई या उसके साथ कुकर्म हुआ, ये तो हुआ, ये फैक्ट है। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो कुल मिला के सारी रिपोर्ट जो अदालत के सामने है, और अदालत जो है इस पर अपना जो है कार्रवाई करेगी और कर रही है। हमने कहा है कि फास्ट ट्रैक पर ये फैसला हो, लेकिन इस बात को, इस जो जो ये जो घटना हुई उसको लेके एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जरूर इसके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहे हैं, इस हालात को खराब करने के लिए, यहाँ पर जो कम्युनिटी डिवाइड करने के लिए, और जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं उनको और जो है पोलराइज करने की जो है कोशिश हो रही है, एक षड्यंत्र हो रहा है। और लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर जम्मू के लोगों को, जिन्होंने एक बड़ा ही धैर्य जो है रखते हुए ये उन्होंने कहा कि बच्ची को इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ये भी ठीक है कि लोगों को जो गलत हरासमेंट ना हो इस प्रकार की बात है। और अभी जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है अदालत में होगा। कश्मीर के अंदर इस इशू को लेकर पत्थरबाजों को एक मौका मिल गया है और देश को बदनाम करने का, तो आपको लगता है पत्थरबाजी की आड़ में देश को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक बच्ची है, 8 साल की उम्र है, वो एक गरीब बच्ची है, उसके साथ जिस प्रकार का हुआ, जो है कोई भी इंसान जो है, मैं कहता हूं हवान भी इस प्रकार की बात नहीं करते, उस बात को जो है एक कम्युनल कलर देना, उसके नाम को जो है सामने रखते हुए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरीके से आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, तो मैं कहूंगा कि ये जो है जो बात हुई इसको पोलराइज करने के लिए, वो जो है कश्मीर दैट दे डिडंट एग्रीड एक्सेप्टेड देयर अप्रोच, सो अल्टीमेटली द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरली दे आर फॉर द ब्रदरहुड, दे आर फॉर द पीसफुल एटमोसफियर इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दे हैव रिजेक्टेड दीज फोर्सेस। सर, दोनों हीरानगर में एजुकेशन कर रहे हैं भूख हड़ताल के लिए, आपका उनके लिए क्या संदेश? सीबीआई डिमांड के लिए जो लोग कर रहे हैं एजुकेशन, भूख हड़ताल हीरानगर, आपका उनके लिए क्या संदेश? रिकमेंड करती है सीबीआई के लिए, तो केंद्र सरकार को इससे कोई परहेज नहीं? देखिए, कहाँ परेशानी हो रही है? देखिए, आज केस जो है माननीय अदालत में है, सरकार और पुलिस और एजेंसीज के दायरे के बाहर है। माननीय अदालत जो है अगर डायरेक्शन देती है, डेफिनेटली अपने जम्मू कश्मीर सरकार अकॉर्डिंगली उस पर काम करेगी। अगर सरकार देती है तो पीडीपी और बीजेपी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, क्या आप मानते हैं कि किसने कहा? तसद्दुक मुफ्ती की तरफ से कहा। यू पोज दिस क्वेश्चन टू तसद्दुक मुफ्ती, दे हैव क्लैरिफाइड नईम अख्तर साहब, ही हैज क्लैरिफाइड अबाउट दिस स्टेटमेंट, एंड ही सेड दैट ही गेव दिस स्टेटमेंट इन इंक्वायरी के लिए हीरानगर में, आपका उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा संदेश है, हमारा संदेश है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके साथ जो कुकर्म हुआ है, उसकी हत्या हुई है, वो भर्त्सना योग्य है, उसको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी जो है इनोसेंट जो है वो उसके ऊपर किस प्रकार का कोई उसको उसके ऊपर इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए कि वो इनोसेंट फंसे। लेकिन अभी मामला क्यों अदालत में है, सभी लोग जो इस प्रकार का मानते हैं कि इंक्वायरी ठीक नहीं हुई है, वो माननीय अदालत में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। अदालत जो कार्रवाई करेगी, जो भी डायरेक्शन देगी जम्मू कश्मीर सरकार, उसको मानेगी। लास्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती हैज शोन रिजेंटमेंट टू ऑफ योर मिनिस्टर्स टू पार्ट इन द हिंदू एकता मंच रैली, दिस हैपेंड ऑन मार्च 1st। ऑन वन हैंड शी इज शोइंग रिजेंटमेंट, ऑन द अदर हैंड शी इज अलाउइंग देम टू बी चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग फंक्शन, बिकॉज चंद्र प्रकाश गंगा वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग बायर सेलर मीट वेयर शी वॉज रबिंग शोल्डर्स विद हिम इन श्रीनगर। देन चौधरी लाल सिंह वॉज चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स फंक्शन ऑर्गेनाइज इन द नेम ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, देयर ही वॉज द चीफ गेस्ट। यू डोंट थिंक समवेयर दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स एंड डुप्लिसिटी ऑफ द पीडीपी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, वेयर ऑन वन हैंड शी इज शोइंग रिजेंटमेंट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देम दैट हाउ कम दे बी द पार्ट ऑफ द प्रो रेपिस्ट रैली, ऑन द अदर हैंड शी इज गिविंग पैम्परिंग देम making them guests of honor, rubbing shoulders with them, sharing dice and podium. First of all, I'll say that
the way you are projecting it, I don't agree with that, because our ministers, definitely they went over there, and it has been clarified by the party that they went there when the party functionaries, they asked them to go over there, and they were there to defuse the situation. But as Ramadevji has said, that there was some mistake in projecting the things there, and ultimately the action has been taken, and they resigned on moral grounds. And now and everything happened, whatever you are referring, it happened earlier, because this case is up for January. These ministers, they went over there in March, and now this buns and all this, they happened during April. So it's a two and a half months. But Chief Minister has shown the resentment. She said that these netas should no more be the part of the cabinet. But then how come she just 2 days back had been rubbing shoulders with them, sharing dice with them, and all of a sudden when there is outrage, she also is trying to just claim that a high moral ground. So you don't think this is... You should pose these questions to the this alliance partner. So far as BJP's stand is concerned, we still feel that these ministers, they were there to defuse the situation. But the situation was such, and the atmosphere was created in which there was a wrong projection of whole of the case. Definitely the BJP took a conscious decision, and these ministers, they also agreed to put their resignation, they resigned, and ultimately for BJP, we have very much given the message that we are not here to protect any culprit, anything. Definitely, this action of BJP has clarified the thing. Thank you. Yes, sir.